देखो उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है। श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार। 3 दिन पहले अखबारों के अंदर एक खबर छपी। उन खबरों के अंदर किरण चौधरी का बयान था कि हरियाणा में कांग्रेस अस्तित्वहीन होती दिख रही है। उन अखबारों के अंदर या सोशल मीडिया पर या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो खबरें चली, उन खबरों का लबोलुआब कुछ ऐसा था कि जैसे किरण चौधरी का कांग्रेस में मन नहीं लग रहा। बात तो ये बहुत समय पहले की भी चलती रही कि किरण चौधरी कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा, ये कोई आज की बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि लगभग 1.5 साल पहले हमने एक वीडियो चलाई थी। आदमपुर का उपचुनाव था, जिस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव जीते थे, और उसी दौर में एक फोटो वायरल हुई थी जिसके अंदर किरण चौधरी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आई थी। ऐसे फोटो वायरल हुए, हमने उस समय एक वीडियो चलाई थी कि क्या अब तोशाम में उपचुनाव होगा, यानी कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं। वो काल्पनिक फोटो थी, या उस समय कोई जो मांडवाली चल रही थी, जो डील होनी थी वो पूरी नहीं हुई, या भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को कह दिया कि अभी सभी सही समय का इंतजार कर लिया जाए, जो भी था। लेकिन ये जरूर है कि आज वो सारा घटनाक्रम लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं उसको याद कर रहे हैं। परसों जब ये खबरें चली मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर अखबारों की सुर्खियां बनी, मीडिया पर खबरें ये चली है कि भाई इस प्रकार से किरण चौधरी कह रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस अस्तित्वहीन हो रही है और उनको भी कांग्रेस में अपना भविष्य कम नजर आ रहा था। कल ही हमने दोपहर को एक वीडियो चलाई थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था, आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से किसी नेता को लाकर राज्यसभा का प्रत्याशी बनाएगी। और देर शाम होते होते वो बात चल पड़ी, मीडिया में खबरें रेंगने लगी कि किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इति श्री अत श्री किरण चौधरी कथा इन कांग्रेस हो गया, आज खत्म। यानी कि किरण चौधरी आज से भारतीय जनता पार्टी की हो गई, भगवा रंगधारी में रंग गई वो भी। दोस्तों किरण चौधरी के जो कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में जाने से किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, कौन फायदे में रहेगा कौन नुकसान में रहेगा, किरण चौधरी का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, इस तमाम को लेकर चर्चाएं हैं। और एक चर्चा और है दोस्तों, एक चर्चा और है कांग्रेस के अंदर, एक चर्चा ये है, दबी कुचली चर्चा भी है और सामने भी आ रही है कि किरण चौधरी को रोका जाना चाहिए था, किरण चौधरी को रोका जाना चाहिए था। ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं दोस्तों। जो मैंने आपसे कहा कि अगर किरण चौधरी 1.5 साल पहले भी जाने की तैयारी कर रही थी तो फिर आप मान करके चलें कि उनके मन में था, वो सही मौके की तलाश में थी। जो व्यक्ति जिसके बारे में 1.5 साल पहले भी, और हमेशा आप ध्यान रखें, धुआं वहां उठता है जहां चिंगारी होती है, उस चिंगारी पर या तो पानी डाल करके बुझा दिया जाए और या फिर उसको धीरे धीरे सुलगते रहने दिया जाए, हवा दे दी जाए और वो एक दिन शोला बन जाती है फिर। तो किरण चौधरी के मामले में मैं तो ये मानता हूं कि वो जो हवाएं पहले चलती थी वो कहीं ना कहीं किरण चौधरी के मन में तो कुछ ना कुछ जरूर था, और वो आज यानी कि भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने के साथ वो आग पूरी तरह से भड़क करके अब शांत हो गई। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने से थोड़ी सी उदास भी है और थोड़ी नाराज भी है कुमारी शैलजा, क्योंकि कुमारी शैलजा के गुट में बहुत प्रभावशाली थी किरण चौधरी। एक कांग्रेस के अंदर पार्लर गुट बना हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, जिसको SRK नाम दिया जाता था। उस SRK का मतलब था शैलजा, रणदीप और किरण। तो किरण के जाने से वो गुट कमजोर तो पूरी तरह से हो गया। अगले वीडियो में चर्चा आपसे करूंगा। कुमारी शैलजा ने कहा है कि श्रुति के साथ अच्छा नहीं हुआ था, पूरी बात सुनिए। श्रुति जी के साथ इंसाफ तो नहीं हुआ, और जिनकी उनकी जगह, अब आपने देखा कि हम भिवानी भी हारे, गुड़गांव भी हारे,
गुड़गांव में जो अहीरवाल है वहां पर कैप्टन अजय यादव लड़ लेते, वो जीत जाते। यहाँ पर श्रुति लड़, मैं तो पहले कह रही हूँ, मतलब क्या, मैं तो कहा है ठीक होता तो और हम और ज्यादा। इसके अंदर शैलजा ये भी कह रही है कि टिकट का वितरण भी ठीक नहीं हुआ था, आप ये भी सुनिए। देखो उनका खेमा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका खफा होना स्वाभाविक है, आफ्टर ऑल एक उनका पूरा परिवार का योगदान रहा है, दशकों से योगदान रहा है। उनकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब अपनी यात्रा निकाली तब वहाँ 3 दिन लगाए थे, 3-4 दिन उनके क्षेत्र में, और हमने देखा कि कितना भारी उत्साह, और अगर श्रुति को मिलती तो मुझे। तो आप इसे मान करके चलिए कि कांग्रेस के भीतर का ये असंतोष है, किरण चौधरी ने तो जाना था वो गई, अगर ऐसा ही असंतोष रहा तो फिर क्या क्या हो सकता है ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा। कहीं ये ना हो राहुल गांधी जी आज अपने जन्मदिन वाले दिन, जब आज उनका जन्मदिन है, 54 साल के हो रहे हैं और हम उनको बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर ऊपर गुब्बारा फूलता जाए और नीचे नीचे हवा निकलती जाए। हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस के कई नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा का भाव भी है। मेरी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से बात भी हो रही थी, उनके बारे में बहुत चला, अगले वीडियो में जिक्र करूंगा आपसे उनसे। करण सिंह दलाल भी टेलीफोनिक बातचीत में मुझे कह रहे थे कि किरण चौधरी को रोका जाना चाहिए था, किरण चौधरी को रोका जाना चाहिए था, अगर वो ना रुकती तो प्रयास किया जाना चाहिए था। खैर अब ये हुआ कि किरण चौधरी अंतोगत्वा पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर, जो उनका रिश्ता था, नाता था, जो कांग्रेस के साथ 4 दशक का, उस रिश्ते को तोड़कर और शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा, लोग ये इस प्रकार की चर्चाएं, और हमने भी कल कहा था, आपने वीडियो में देखा होगी कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी अब राज्यसभा की कैंडिडेट भी हो सकती हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा का कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है, ये संभावना है। लेकिन ये जरूर है कि किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस कितनी कमजोर होगी, भाजपा कितनी मजबूत होगी, किरण चौधरी खुद कितनी कमजोर होंगी या वो मजबूत होंगी, कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या क्या होगा, ये इस समय सब चर्चाओं में जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है कि किरण चौधरी के इस फैसले से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? आपको क्या लगता है कि क्या किरण चौधरी के जाने से भारतीय जनता पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर और ज्यादा मजबूत होगी? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा का जो चुनावी परिदृश्य है, जो 4 महीने बाद 120 दिन के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो कैसा होगा, कैसी लड़ाई होगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।